तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे टाइट्रेशन बिटवीन एसिड एंड बेस। कौन सा एसिड? स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। लास्ट टाइम मैंने देखा था वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड मैंने याद था कौन सा? ऑक्सैलिक एसिड। और स्ट्रॉन्ग बेस कौन था? कॉस्टिक सोडा, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अभी क्या देख रहे हैं? टाइट्रेशन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड इज HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड वीक बेस इज सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3। क्लियर है? तो बच्चा, मैंने यहाँ पे जो आपको व्हाइट कलर का सोल्यूशन दिख रहा था, इसे सोल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, ठीक है? वीक बेस है ये, सही है? वीक बेस का सोल्यूशन है। और ये क्या है बच्चा मेरा? स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है? स्ट्रॉन्ग एसिड का सोल्यूशन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग, ठीक। तो अभी हम क्या करने जा रहे हैं? दोनों के बीच में टाइट्रेशन करने जा रहे हैं। चूंकि एसिड स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए ये टाइट्रेशन एसिडिक टाइट्रेशन होगा। इससे पहले वाला टाइट्रेशन अल्कलाई था, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस नहीं थे। स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे तो अल्कलाई टाइट्रेशन, स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे तो एसिडिक टाइट्रेशन। क्लियर है? ठीक है, सेम कहानी। हमने लास्ट टाइम लिया था इंडिकेटर फिनॉल्थलीन, इस बार लेंगे मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज, ठीक है? क्लियर है? यस सर। तो देखिए, सबसे पहले हमने इसको डिस्टिल वाटर से रिंस कर रखा है। इसका नाम क्या है बेटा? ब्यूरेट। किससे रिंस किया है? डिस्टिल वाटर से इसको रिंस किया है। अब मुझे डालना है इसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो पहले उसको मैं उससे रिंस करूंगा, सही है? यस, ठीक। तो क्या कर ले भाई? फनल ले ले, ठीक। तो आइए भाई, मलिंगा जी पकड़िए। इसमें क्या करूंगा मैं? थोड़ा सा एसिड डाल रहा हूं ताकि रिंस हो जाए। बहुत प्यार से बेटा जी, चलिए इसको रिंस कर लीजिए। अच्छे से रिंस करके वहाँ पे वॉश, उसको उसमें पुट करके आइए वॉश मशीन में, ठीक है? तो अभी वो ब्यूरेट में क्या कर रहा है बंदा? रिंस कर रहा है। तो वो अभी रिंस करेंगे अच्छे से हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, फिर हम क्या उसमें पोर करेंगे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसके अंदर हम लोग पोर करेंगे, ठीक। और ये हमारा क्या है बेटा जी? पिपेट, ठीक है? पिपेट को, पिपेट में मैं डालने वाला हूँ क्या? बेस। स्ट्रॉन्ग बेस कि वीक बेस? वीक बेस सोडियम कार्बोनेट। तो बेटा जी, जब हम इसको हमको चाहिए 10 ml का ये ब्यूरेट, सॉरी पिपेट, इस पिपेट में क्या कर लूँगा मैं? इसको सक करूँगा। तो सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा? मुझे रिंस करना पड़ेगा। तो चलो पहले रिंस कर लेते हैं, ठीक। देखो, ठीक है, अच्छे से रिंस करना है। ठीक, रिंस कर दिया उसको? नहीं, इसको भी मैंने रिंस कर दिया, ठीक है? लाइए, अब इसके अंदर क्या पोर करेंगे बच्चों? HCl। यस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मैं पोर करूंगा। पकड़िए बेटा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है? पूरा पोर करना है। जीरो तक पूरा पोर करना है ताकि कम ज्यादा ना हो। ठीक है, थोड़ा सा कम कर दीजिए, लीजिए इसमें आगे क्या वहां तक आ गया? जीरो तक, तो इसमें आप कम कीजिए, ठीक है? अभी मैं इसमें 10 ml क्या कर रहा हूँ? सोडियम कार्बोनेट यानी कि बेस को सक कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ पिपेट। ध्यान दीजिए और थोड़ा नज़दीक दिखाइए इसको, जूम करके, ताकि दिखे। एक्यूरेट होना चाहिए ना, दोबारा सक करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, एक ही बार में होना चाहिए। इसलिए धीरे 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 धीरे, पहले मैं इसको 10 ml ले लूँ। यस, दिस इज द 10 ml सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, यानी कि हमारा क्या? वीक बेस। अब मैं क्या कर रहा हूँ इसको? इस फ्लास्क में, ठीक है, पोर कर ले रहा हूँ। ये फ्लास्क को वॉश किया था ना डिस्टिल वाटर से, सही, ठीक है। इससे हम इसको पोर कर दे रहे हैं, ठीक है? और उस ब्यूरेट में क्या है हमारा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्यूशन,
ठीक है, क्लियर, गुड। ये हमारा पूरी तरीके से क्या हो गया बेटा, इसके अंदर हमने पोर कर दिया है क्या, सोडियम कार्बोनेट यानी कि वीक बेस। ये पिपेट को मैंने यहाँ पर रख दिया। चलिए क्या करेंगे अब इसके अंदर, दो ड्रॉप क्या डालूंगा मैं, मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, नज़दीक से दिखाइए इसको। ठीक है, वन एंड दिस इज द टू। इसका कलर हो जाएगा कैसा, येल्लो। ये ऑरेंज था लेकिन कैसा हो जाएगा, येल्लो, क्योंकि बेस में इसका कलर कैसा हो जाता है, येल्लो, थोड़ा सा येल्लो हो जाएगा, एकदम येल्लो नहीं लेकिन येल्लो इस टाइप आपको दिखेगा। ठीक, ये बिल्कुल ऑरेंज रहता है लेकिन वो थोड़ा सा क्या हो गया, येल्लो। अभी अब क्या करना है बेटा, हमेशा की तरह आइए। ठीक है, मलिंगा जी को स्टैंड बना रखा है, दिख रहा है येल्लोइश, हाँ सॉल्यूशन। ठीक, यहाँ पे ड्रॉप बाय जिसको इंटर करना जब तक कि लाइट पिंक ना हो जाए, है ना। चलिए कीजिए स्टार्ट। थोड़ा फास्ट कीजिए, और फास्ट, देखते रहना मुझे बताना। पिंक होना चाहिए, ऑरेंज पिंक, है ना, एग्जैक्टली पिंक नहीं होगा क्योंकि इसमें मिथाइल ऑरेंज मिलाया गया था तो वो येल्लो हो गया था इन कलर, येल्लो इस ऑरेंज आप बोल सकते हो। तो कैसा पिंक चाहिए, ऑरेंज पिंक।